चेरी और उसका छोटा भाई एक्साइटेड होके पूरे घर में भाग रहे थे क्योंकि वो क्रिसमस की सुबह थी। वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो उस क्रिसमस को अपने अंकल से मिलने जा रहे थे। चेरी की मम्मी लिविंग रूम में आई और चेरी को बोला कि अपने बैग जल्दी से पैक कर ले। वो माउंटेन्स के बीच 5 घंटे की ड्राइव थी तो उन्हें जल्दी ही निकलना था। चेरी का भाई बॉब हमेशा नखरे करता रहता था। वो उसके पास गई और उसे कहा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ वरना मम्मी हमसे बहुत गुस्सा हो जाएगी। मैं आंटी और अंकल से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आंट हेलिना ने कहा था वो क्रिसमस नाइट पे चॉकलेट और कस्टर्ड बनाएगी। बॉब ने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा, मैं सारा कस्टर्ड खा जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चेरी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप करो। उनकी मम्मी कैटी ने बेडरूम से कहा, ओ तुम दोनों बस करो, अब हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। जॉन ने अपना सामान डिक्की में डाला और कहा, कैटी जल्दी करो, हमें अब निकलना है वरना तुम्हारे भाई के घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। क्रिसमस टाइम चेरी का साल का फेवरेट टाइम है। वो सब गाड़ी में बैठे और सफर के लिए रवाना हो गए। जब वो माउंटेन्स और पाइन ट्रीज से गुजर रहे थे, जहां तक उनकी नजर जा रही थी, उन्हें बस हर चीज को ढकी बर्फ ही दिखाई दे रही थी। बॉब अपना सेंटा और एल्फ टॉयज के साथ खेलने में बिजी था। फिर एकदम चेरी ने उसे पूछा, तुम्हें इस साल क्रिसमस पर क्या चाहिए? बॉब ने जवाब दिया, मैंने गम बॉल मशीन मांगी है और बड़ा सा कैंडीज और आइसक्रीम बिस्किट से बना हुआ घर। सब लोग उसकी बचकानी बात को सुनकर हंसने लगे। चेरी ने हंसते हुए कहा, पर अपना गिफ्ट लेने के लिए तुम्हें पूरा साल अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ता है, जो तुम बिल्कुल नहीं थे। जिस तरह तुम मेरे टॉयज और चीजों को छेड़ते हो, इस साल सेंटा की जगह तुम्हें क्रैम्पस विजिट करेगा। बॉब को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चेरी से लड़ना शुरू कर दिया। कैटी ने उन दोनों को चुप किया और हैरान होते हुए चेरी से पूछा, तुम्हें क्रैम्पस के बारे में कैसे पता है? जिस पर उसने जवाब दिया कि उनकी इंग्लिश टीचर ने उनसे कहा कि जो भी बच्चा पूरा साल अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, उसे क्रैम्पस से पनिशमेंट मिलेगी। जॉन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्रैम्पस कौन है? चेरी ने बताया, क्रैम्पस आधा बकरा और आधा मॉन्स्टर है जो बच्चों को पनिश करता है अगर वो अच्छा बिहेव नहीं करते तो। वो सेंट निकोलस का शैतान साथी है। जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स या बड़ों की बातें नहीं मानी, उन्हें क्रैम्पस पीटेगा। कैटी ने शांत स्वभाव में कहा, मुझे लगता है ये कोई पुरानी डरावनी कहानी है जो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बताई है चेरी। क्रैम्पस जैसा कुछ नहीं है। चेरी ने अपने मन में सोचा, अगर सेंटा क्लॉस रियल है तो क्रैम्पस क्यों रियल नहीं हो सकता? पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका भाई ऑलरेडी उस डरावने क्रैम्पस की बात सुनकर रो रहा था। कैटी ने उसे एक चॉकलेट दी और उसे कहा कि अंकल के घर में अच्छे से बिहेव करे। करीब 5 बजे वो फाइनली अंकल सैम के घर पहुंचे। अंकल बॉब ने चेरी और बॉब को हग किया और उन्होंने अंदर आने दिया। आंटी एलिना आई और उन्होंने चेरी को गले लगाकर मैरी क्रिसमस विश किया। वो सब लोग आग के पास बैठ गए और बातचीत करने लगे। उनका घर क्रिसमस की सुंदर चीजों से डेकोरेट हुआ था। चमकती हुई बेल सीलिंग से लटक रही थी और नियॉन लाइट्स वॉल्स पर सब जगह चमकती दिख रही थी। चेरी उस बड़े क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत खुश हो गई जो लिविंग रूम के बीच पड़ा था। वो लाइट्स, क्रिस्टल बॉल्स, जिंगल बेल्स और दुनिया की सब चमकती हुई चीजों से भरा हुआ था। चेरी ने अंकल सैम की तरफ देखा और एक्साइटेड होकर कहा कि उसको उनका घर बहुत अच्छा लगा और उनका क्रिसमस ट्री दुनिया का सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री है। सब लोग एक 7 साल की बच्ची से ऐसी अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हो गए थे। बॉब क्रिसमस ट्री के नीचे बैठा क्रिसमस गिफ्ट्स खोलने में बिजी था। तभी उसके पापा ने बोला, बॉब तुम्हें गिफ्ट्स अपनी बहन के साथ खोलने चाहिए। पर उसने नहीं सुना। जैसे ही रात बीतती गई, सेलिब्रेशंस बढ़ती गई। टेबल टेस्टी खाने से भरा हुआ था। एक पूरी टर्की टेबल के बीच में रोस्ट हो रही थी। वहां पे कस्टर्ड था, स्मैश पोटैटोस, फ्राइज, खिचड़ी और चेरी के फेवरेट चिकन वाले चावल। डिनर के बाद चेरी काउच पर बैठकर अपने क्रिसमस प्रेजेंट्स खोलने लगी। वो एक बहुत ही सुंदर गाउन था। वो खुशी के मारे नाचने लगी और कहा, मुझे पता था सैंता मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पर दूसरी तरफ बॉब रोने लगा और बोला, मैंने रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी नहीं मांगी थी, मेरी गम्बॉल मशीन कहाँ है? सब लोग बिजी हो गए और उस बच्चे की बात को इग्नोर कर दिया। चेरी अपने छोटे भाई के पास गई और कहा, चलो हाइड एंड क्लैप खेले। उसे पता था बॉब को हाइड एंड क्लैप खेलने में बहुत मजा आता है, तो थोड़े टाइम के लिए उसका दिमाग भटक जाएगा।
वो घर बहुत बड़ा था तो उनके पास छुपने के लिए बहुत जगह थी। जैसे ही उन्होंने अपनी गेम शुरू की, कैटी ने कहा, घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, घर के अंदर रहकर जो भी खेलना है खेलो, बाहर बहुत ठंड है। चेरी को स्नो से ढका हुआ ग्राउंड दिख रहा था ऊपर की बड़ी कांच की खिड़की से। घर के दरवाजे के पास एक स्नोमैन भी था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से ग्लास विंडोज वाइब्रेट हो रही थी और एक क्लिंकिंग की आवाज आ रही थी। जैसे ही गेम शुरू हुई, चेरी ने पहले छुपने का सोचा और बॉब उसे ढूंढेगा। चेरी हेलिना आंटी के क्लोजेट में छुप गई और बॉब ने 1 से 10 तक गिनना शुरू किया। जब उसने पूरा गिन लिया, उसने जोर से बोला, मुझे पहली ताली दो। पहली ताली बजी और बॉब फटाफट उसे फॉलो करने लगा और दूसरी क्लैप के बाद उसे चेरी मिल गई और वो खुशी के मारे चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। चेरी ने कहा, अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अब मेरी बारी है, जाओ जाके छुप जाओ। बॉब कुछ भी करके ये गेम जीतना चाहता था तो वो एटिक में जाके छुप गया। वो एटिक के विंडो के पास खड़ा हो गया और चेरी के काउंटिंग खत्म होने का वेट करने लगा। एटिक में बहुत अंधेरा था और बाहर तेज हवाओं की आवाजें उसे डरा रही थी। एकदम उसने खिड़की के बाहर देखा और उसे एक आदमी बड़ा लाल ड्रेस पहना दिखा। वो स्नोमैन के साथ ही खड़ा था। बॉब बहुत एक्साइटेड हो गया और सोचा शायद सांता क्लॉस फाइनली उसे मिलने आ गए हैं। उसने कांच की खिड़की खोली और खुशी से चिल्लाया, सांता मैं यहाँ हूँ, आप मेरे लिए मेरी गंबॉल मशीन लाए। उस आदमी ने जिसने रेड ड्रेस पहना था उसने वेव किया और हामी भरी। खुशी के मारे बॉब चुपचाप एटिक से नीचे आया और घर से बाहर निकल गया। उसने चुपचाप मेन डोर खोला क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे कोई बाहर जाते देख लेता तो उसे डांट पड़ती। बॉब तो सांता से मिलना ही चाहता था और अपनी गंबॉल मशीन के बारे में पूछना चाहता था, पर जब उसने मेन डोर खोला तो वो उसे कहीं नहीं दिखा। बॉब को घर के पीछे से कुछ आवाज सी आई, जैसे कोई चल रहा हो। घर के पीछे काला घना जंगल था जो लंबे पाइन ट्रीज से भरा हुआ था। अपने छोटे पैरों से बॉब घर के पीछे की तरफ जाने लगा। वो घर के पीछे खड़ा हुआ काले घने जंगल को देख रहा था। उसको थोड़ा डर भी लगने लग गया था। पेड़ तेज हवा की वजह से एक दूसरे को टकरा रहे थे। उसने धीमी आवाज में बोला, सांता आप कहाँ हो? एकदम से पास के एक पाइन ट्री के पास उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसे वही रेड ड्रेस वाला आदमी पेड़ के पीछे से झांकता हुआ दिखा। वो उसे बुला रहा था। बॉब धीरे से उसकी तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ चेरी बोर हो रही थी क्योंकि वो पूरे घर में बॉब को नहीं ढूंढ पा रही थी। वो बार बार ताली की आवाज भी मांग रही थी पर उसे कोई सुनाई नहीं दी। घर में बड़े लोग आपस में बिजी हो गए थे तो उन्होंने नहीं सोचा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। चेरी ने खिड़की के बाहर देखा कि बॉब जंगल की तरफ चलकर जा रहा था। वो पीछे के दरवाजे भागी। जैसे ही वो बाहर पहुंची उसे बॉब नहीं दिखा। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। चेरी भरी ठंडी में अकेली खड़ी जंगल की तरफ देख रही थी। अचानक उसे पास के पेड़ से किसी के सिसकने की आवाज आई। जैसे ही वो चुपचाप उस तरफ जाने लगी, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। बॉब नीचे गिरा हुआ था और एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर उसके सामने खड़ा था। वो करीब 7 फीट का था और उसके सिर पर नोकीले सींग भी थे। उसका चेहरा एक मरे हुए बकरे जैसा भी दिख रहा था। उसका शरीर एक बड़ा इंसान जैसा था और पैर बकरे जैसे थे। उसके एक हाथ में हंटर था और दूसरे में चेन्स। वो प्राणी बहुत अजीब तरह से घुर्रा रहा था। डर और खौफ के मारे उसके मुंह से एक शब्द निकला, क्रैम्पस। चेरी के मुंह से अपना नाम सुनकर क्रैम्पस अपनी जलती हुई आंखों से उसकी तरफ घूरने लगा। उसके मुंह से एक लंबी जीभ बाहर निकल आई जिसमें से थूक गिर रही थी। चेरी बहुत जोर से चिल्लाई और क्रैम्पस अपनी डरावनी आवाज से घुर्राने लगा। उस घुर्राने की आवाज से पूरा जंगल भर गया और उसकी आवाज घाटी में गूंजने लगी तकरीबन 2-3 मिनट तक। कैटी अपने बच्चों की आवाज सुनकर बाहर भागती आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा चेरी रो रही थी और उसने अपना मुंह हाथों से छुपा रखा था और बॉब बेहोश जंगल की तरफ जमीन पर पड़ा था। अगले दिन बॉब को तेज बुखार चढ़ गया। चेरी पूरा हफ्ता ठीक से नहीं सो पाई। कैटी और जॉन को कोई आइडिया नहीं था कि उनके बच्चों ने बाहर क्या देखा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या चेरी और बॉब ने सच में उस रात क्रैम्पस को देखा?